हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, सेक्शन 2.10 डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स अप्लीकेशन। सो डायमेंशनल एनालिसिस है, उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और उसके बारे में कुछ कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे। न केवल कंसेप्ट समझेंगे बल्कि नीट के 5 प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और इस वीडियो में जो एग्जाम्पल्स है उसको भी हम लोग समझेंगे। सो क्लियरली देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी इक्वेशन में, उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सो यहाँ पर लिखा गया, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैज द सेम डायमेंशन। ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप देखो कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है। सो इसका यूज है टू डिड्यूस सर्टन रिलेशन एमोंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट कोई फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो डेरिवेशन कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसकी एक्यूरेसी को हम लोग चेक करेंगे। और यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, डायमेंशनली रॉन्ग है, तो फिर वो इक्वेशन या वो फॉर्मूला 100% रॉन्ग होगा। लाइक मैं सपोज करूँ कि कोई फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह किसी साइंटिस्ट ने एक नया फॉर्मूला डिफाइन किया एफ इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, और उसके बाद x1 x2 दो डिफरेंट क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन निकाला गया और ये डायमेंशन MLT-2 नहीं आया, तो ये फॉर्मूला ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज फोर्स का डायमेंशन आपको MLT-2 पहले से मालूम था। क्लियर है? सो आपको अच्छा, कोई फॉर्मूला यदि डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली कोई करेक्ट है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन कोई यदि डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो 100% वो रॉन्ग फॉर्मूला है। इस सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर जो डायमेंशन है ना उस, या जैसे यूनिट को आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, समथिंग लाइक ऑर्डिनरी अल्जेब्राइक सिंबल, वैसे ही आप डायमेंशन को कर सकते हो। लाइक आपको यदि ध्यान हो तो यूनिट में क्या लिखते हो, वेलोसिटी आप लिखते हो, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम या लेंथ बाय टाइम। सो लेंथ को आप क्या बोलते हो, मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड कर दिए या मीटर सेकेंड इन्वर्स कर दिए, वैसे ही डायमेंशन को भी करते हो LT-1। तो आप सिंपल मींस कि कैलकुलेशंस में आपको किसी का यूनिट निकालने में, फॉर्मूला में, मल्टीप्लिकेशन में यूनिट को जैसे आप डिवाइड करते हो, डायमेंशन में भी सेम करोगे, और कैंसिल करते हो वैसे भी करते हो, वैसे यहाँ भी कर सकते हो। क्लियर है? सो यही 3 पॉइंट इसमें लिखा गया है। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बॉल ऑन बोथ साइड ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन। को यदि आप फिजिकल क्वांटिटी आप लिखे, ये एक फॉर्मूला लिखे या एक इक्वेशन लिखे जिसका LHS है और ये RHS है, तो LHS का जो डायमेंशन होगा वही आपको RHS का डायमेंशन होगा। मीन सेम डायमेंशन नहीं होगा, तो जो इक्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी जो आप रिप्रेजेंट किए हो फॉर्मूला से, वो रॉन्ग किए हो। अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है चेक करने में द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, और किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप जोड़ सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब इसका डायमेंशन सेम हो। ठीक है? सो यही चीज़ लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, दस वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स। वेलोसिटी को यदि आप फोर्स के साथ ऐड करना चाहोगे तो ऐड नहीं कर सकते। क्यों? चूँकि वेलोसिटी का डायमेंशन ये है और फोर्स का डायमेंशन MLT-2 है। सेम डायमेंशन वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। या वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को आप यदि सब्ट्रैक्ट कर दिए या ऐड कर दिए किसके साथ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के साथ, तो वो भी रॉन्ग है। और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। सो ये बहुत ही एक्सट्रीमली यूजफुल होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। अब इसमें क्या चीज है कि इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम देन द इक्वेशन इज रॉन्ग। सो आप इक्वेशन जो डिराइव किए हो वो फिर रॉन्ग है। क्लियर है?
सो आई थिंक यही सारी बातें हैं जो कि आप समझ गए होंगे। फिर देखो, फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि डायमेंशन आर कस्टमरली यूज्ड इन अ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करने में तो करते हैं, जहां पर हमें इक्वेशन का क्या डाउट हो कि करेक्ट है या नहीं है, लेकिन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मुझे गारंटी नहीं देता है कि इक्वेशन करेक्ट ही है। मीन्स कि कोई इनकरेक्ट इक्वेशन का भी डायमेंशन इक्वल हो सकता है। डायमेंशनली कोई इक्वल है तो इसका मतलब नहीं कि 100% वो ट्रू ही इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो कि डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी बोलूं लेंथ बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब ये डायमेंशन आपने वी का निकाल लिया है, LT-1 आपको मालूम है, लेकिन यदि सपोज करो कि लेंथ बाय टाइम के साथ साथ मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं एक एक्सपोनेंशियल e2 पावर लेंथ को, मीन्स फॉर्मूला बोलूँ वेलोसिटी का लेंथ बाई टाइम इंटू e2 पावर लेंथ। सो e2 पावर लेंथ जो है ना, उसका डायमेंशन क्या होता है? जीरो। वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। उसका डायमेंशन होगा m2 पावर 0, l2 पावर 0, t2 पावर 0, सारा चीज़ उसके पावर में जीरो है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो रॉन्ग हो गया, क्लियर है? फिर मैं आप या आप लिखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 इंटू लेंथ बाई टाइम। तो 10 भी एक नंबर है जो कि डायमेंशनली आपको डायमेंशन लेस है। सो ये फॉर्मूला अभी भी डायमेंशन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। देखो, इट इज अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ ए डायमेंशन लेस क्वांटिटीज और फंक्शन। द आर्गूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शंस, जैसे कौन कौन डायमेंशन लेस होते हैं, सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आर्गुमेंट हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सब आपको डायमेंशन लेस होते हैं। लाइक मैं बोलूँ कि टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ये एक नंबर हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। 1045 डिग्री 1, सो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए वो भी डायमेंशन लेस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। फिर एंगल, ठीक है, जो भी रेशियो होगा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का वो भी आपको डायमेंशन लेस होगा। लाइक रेशियो ऑफ वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये आप लोग पढ़ोगे जब लाइट पढ़ोगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है? स्पीड बाय स्पीड का रेशियो होता है। सो स्पीड का डायमेंशन LT-1 और फिर स्पीड का डायमेंशन LT-1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होगे। अब एक का बताया है यहाँ पर, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इसको आपको चेक करके दिखाया है। लाइक एक्स इज इक्वल टू x0 + v0t + 1/2 at2। सो x0 का डायमेंशन कितना होगा? इसका भी डायमेंशन l होगा, x का भी डायमेंशन l होगा। v0t का डायमेंशन कितना होगा? LT-1, ये v का डायमेंशन हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से, बता चुका हूँ मैं, इनटू टाइम टी, ये भी एल के इक्वल हो गया। at2, ए का वैल्यू कितना होता है? LT-2 एक्सलरेशन, और टी का कितना होता है? t2, ये क्या होता है? m/s² ही होता है ना एक्सलरेशन। तो ये भी एल, सो ये डायमेंशनली करेक्ट है, चूंकि सारे का डायमेंशन एल आ रहा है। क्लियर है? समझ गए? द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर द सेम, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब इसमें जो मैं बोला था आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है यहां पर, इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ इट पासेस
इट इज नॉट प्रूव्ड राइट, ठीक है, कोई डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन भी आपको रॉन्ग हो सकता है. दस अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट और करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग या इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग. सो ये बेसिक टेस्ट है चेक करने का कि कोई इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है. सो एक इक्वेशन दिया गया है 1/2 mv² इज इक्वल टू एम जी एच, और हर एक का डायमेंशन बोथ साइड निकाल करके हम लोग चेक करेंगे. एम जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और 1/2 mv² है काइनेटिक एनर्जी. इसका बहुत यूज होता है, जब किसी बॉल को सपोज करो हाइट से गिराते हैं तो एक वेलोसिटी गेन करता है, और ऊपर से नीचे आने पर जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है वो एम जी एच हुआ, यदि एच हाइट से आया एम मास का बॉल, और जी होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और काइनेटिक एनर्जी में जो गेन कर लिया वो होता है 1/2 mv². सो अब सबका डायमेंशन लिखो. सो LHS में क्या है, 1/2 mv², सो एम 1/2 का तो डायमेंशन जीरो होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे. Lt-1 × Lt-1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Lt² t^-2. सो ये हो जाएगा LHS का ml² t^-2, और सिमिलरली RHS का भी निकालोगे तो g आपको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सो Lt-2, और h हाइट है तो l हो गया, सो यही आ गया. सो द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर सेम एंड हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. अब फिर देखो अगला 2.16 दिया गया है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज J इज इक्वल टू kg m² / s² डेट ऑफ स्पीड v इज m/s एंड एक्सलरेशन इज m/s². ये आपको SI यूनिट दिया गया है एनर्जी का, स्पीड का और एक्सलरेशन का, और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट. डायमेंशनल आर्गुमेंट के बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी का कौन से फॉर्मूला को हम लोग रूल आउट कर सकते हैं. सो आप बोथ साइड का डायमेंशन निकालो और देखो आपको काइनेटिक एनर्जी का पॉसिबल फॉर्मूला दिया है ABCDE, और बताना है कि कौन सा फॉर्मूला को आप रूल आउट कर सकते हो. तो देखो इसका डायमेंशन देखोगे तो कितना होगा m², v क्या हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन Lt-1. देखो आपको मीटर पर सेकेंड दिया ना, यहाँ पर दिया है मीटर पर सेकेंड, तो इसी से आपको निकालना है डायमेंशन Lt-1. सो इसका पावर 3 है तो कितना हो जाएगा L3 t^-3. सो m² L3 t^-3 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा. इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखो 1/2 mv², सो m का डायमेंशन हो गया m, और इसका v स्क्वायर का हो गया, इसमें स्क्वायर लगा दोगे पावर 2 तो क्या होगा L² t^-2. 1/2 का तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है. ma का डायमेंशन कितना होगा बताओ, ma हो गया m, और एक्सलेशन का होता है Lt-2, सो ये हो जाएगा ml t^-2 है. 3/16 mv² 3/16 का आपको कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन mv² का आपने डायमेंशन निकाला है ml² t^-2. और e देखोगे तो 1/2 mv², इसका डायमेंशन तो आप निकाले हो ml t^-2, और प्लस ma का डायमेंशन अलग हो गया, मीन्स कि e में बोल रहा है ml² t^-2 + ml t^-2, इन दोनों को जोड़ना है. क्या इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें l का पावर एक एक्स्ट्रा है. सो डायमेंशनली ये इनकॉम्पेटेबल है, ठीक है, डायमेंशनली ये इनहोमोजीनियस है. सो क्लियरली ये e तो रॉन्ग हो गया, और आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का नहीं मालूम है तो आपको सपोज करो कि दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t-2. सो क्लियरली
ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया, या तो बी या फिर डी, इन दोनों में से कोई ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ट्रू ही हो। देखो यही सारी बातें लिखी गई है, सिंस द काइनेटिक एनर्जी के हैज अ डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फॉर्मूला ए सी ई आर रूल्ड आउट। नोट दैट द डायमेंशनली आर्गूमेंट कैन नॉट टेल विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी एंड डी इज द करेक्ट फॉर्मूला। आप ध्यान दो, बी में यूज हुआ है 1/2 और डी में यूज हुआ है 3/16। तो देख रहे हो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वो फॉर्मूला को कितना से चेंज कर सकता है। अब इस पर नीट के दो अच्छे प्रॉब्लम आए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। द वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाय टी प्लस सी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये, जो है ना आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे पढ़ा है, पर बेस्ड है। देखो आपको मालूम है कि सेम डायमेंशन वाले को ही जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टी प्लस सी हुआ है, मीन्स कि सी का डायमेंशन क्या चीज होना चाहिए, टाइम टी का डायमेंशन होना चाहिए। अच्छा, ये पूरे का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल बाई टी, सो नीचे में टी हो गया, तो बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल का होना चाहिए। सो बी का निकल गया, सी का निकल गया। अच्छा, इसका डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी के इक्वल। वेलोसिटी मतलब एल बाई टी के इक्वल। सो एल बाई टी इज इक्वल टू ए का डायमेंशन, या इधर लिखो ए का डायमेंशन इंटू टाइम टी का डायमेंशन इज इक्वल टू एल बाई टी। सो यहाँ से हो जाएगा ए का डायमेंशन हो जाएगा एल बाई टी का पावर टू, डेट इज एल टी माइनस टू। सो इसका आंसर हो जाएगा ए हो गया एल टी माइनस टू, बी हो गया आपको एल, एंड सी हो गया टी। बहुत आसान था ना, मज़ा आ गया होगा, आसान इतना होगा। ये देखो ये नीट 2017 का है, ये चूँकि आपको बहुत सारे फॉर्मूला यूज हैं और आपको माइट भी आपको नहीं आइडिया होगा, इसलिए मैं हल्के हल्के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपके लिए बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, वहाँ पर फोर्स होता है 1/4πε₀। चूँकि सब फॉर्मूला सब आज नकल आपके पास में आना ही है, चार्ज को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से दिखाया है, सो ई स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स होगा 1/4πε₀ ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और यहाँ से आप ई स्क्वायर बाई 4πε₀ का डायमेंशन निकाल सकते हो। ये किसने इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डी स्क्वायर को मैं इधर ले आया हूँ, एफ इंटू डी स्क्वायर। F का डायमेंशन फोर्स का होता है, आप देख चुके बहुत बार, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का होता है एल स्क्वायर। देखो ये लग रहा है आपको टफ, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा टफ से मुझे रूबरू कराना है, उसको समझाना है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपको इस टर्म का डायमेंशन। अब G का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो ग्रेविटेशनल में फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, छोटे क्लास में भी पढ़े होगे आप। तो यहाँ से जी हो गया फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, फोर्स इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन आप निकाल रखे हो, डेट इज एम एल क्यू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई इसका क्या हो गया मास स्क्वायर, और ये हो गया एम टू द पावर माइनस वन एल टू दी पावर थ्री टू टू दावर माइनस टू। तो जी का भी निकाल दिए, ई स्क्वायर का भी निकाल दिए, सी का आप निकाल लेते डायमेंशन। मैं पहले सबका डायमेंशन निकाल देता हूँ, तब आपको प्रॉब्लम और समझाऊंगा। सी का हो गया एल टी माइनस वन। अब आपसे बोला है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको डिटरमाइन करना है, जिसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन हो, और आपको सी से जी से और इस तीसरे वाले इस टर्म से, मतलब इन्हीं तीन टर्म से उस फॉर्मूला को बनाना है या फिजिकल क्वांटिटी को बनाना है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे निकालोगे, सो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसका होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ का। सो इन तीनों का ऐसा बनाओ कि डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाए। अब ये कैसे बनाओगे, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस में देखोगे ये लिखा है जी इंटू ई स्क्वायर बाई 4πε₀ से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करते हैं
सो जी इंटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा? देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मेरा काम बन सकता है एल टू दी पावर 6 टी टू दी पावर माइनस 4, क्योंकि मास हटाना है, मास हट गया। इसका यदि 1/2 लिए, मीन्स कि पूरे को यदि 1/2 पावर ले लोगे तो कितना हो जाएगा? L3 टी टू दी पावर माइनस 2, बहुत अच्छा। एल स्क्वायर और टी टू दी पावर माइनस 2 कट गया तो काम निकल जाएगा, तो सी स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं। एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 2 एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2, ये कैंसिल, अलजेब्राई की तरह काट सकते हो, सो एल आ गया। सो क्लियरली यदि आप लिख देते हो 1/c² जी इंटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2, तो इसका डायमेंशन लेंथ का आ जाता है। आसान प्रॉब्लम था बताने के लिए, चूंकि आपको फॉर्मूला कुछ आइडिया नहीं था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो इसलिए मैं बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं बुक में और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन एमोंग द फिजिकल क्वांटिटी। देखो बहुत अच्छा है, आपको रिलेशन एमोंग फिजिकल क्वांटिटी या फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड से, वो हम लोग इसमें समझेंगे। इसका हम लोग नीट के साथ प्रॉब्लम भी देखेंगे। पर मेथड ऑफ डायमेंशन कैन समटाइम्स बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। आप मान लो कि आप कोई साइंटिस्ट हो और फॉर्मूला एक डिवाइड, एक आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो। सो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स एक पेंडुलम है जिसमें एक बॉब, एक छोटा सा मास अटैच्ड है और ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पेंडुलम की तरह रोटेट कर रहा है। अब आपसे ये भी चीज़ कहा गया कि सपोज करो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, और जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कर रहा है। और आपसे बोल रहा है कि डायमेंशन के मेथड से फॉर्मूला निकालो। ठीक है भाई, हम निकालेंगे। तो डायमेंशन के मेथड से फॉर्मूला क्या है? LHS का डायमेंशन, डायमेंशन को मैं D से दिखा दिया, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेट्स से कि हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड T है कोई कांस्टेंट K इनटू, कांस्टेंट है ये, डायमेंशनलेस है, L टू द पावर X, M टू द पावर Y और G टू द पावर Z। अभी समझे कि नहीं समझे भाई? ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन लेंथ के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं। तो सपोज करो कि लेंथ के एक्स पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर एक्स। वैसे ही मास के ये वाई पावर पर डिपेंड कर रहा है, वैसे ही ये आपको जी के जेड पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर एक्स, एम टू दी पावर वाई, जी टू दी पावर जेड, और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ तक ले आओगे, जहाँ के क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया और एक्स वाई जेड क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। अब दोनों साइड के डायमेंशन को आप इक्वेट करोगे और यहीं से आपकी कहानी हो जाएगी सॉल्व। इधर का डायमेंशन क्या होता है? टाइम टी का टी होता है, के के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई, जी क्या हो गया? एक्सलरेशन, सो एल टी माइनस 2 का पावर जेड। अब सब को एक साथ ले जाओ एम एल टी के फॉर्म में, सो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एम टू दी पावर 0, L टू दी पावर 0, T का पावर 1, ये डायमेंशन फॉर्म में लिखे। राइट साइड में हो जाएगा M का पावर Y, L का पावर X प्लस Z, और T का पावर हो जाएगा माइनस 2Z। अब इसको आप सॉल्व कर दो, बोथ साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मीन्स Y इज इक्वल टू 0 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 0,
और माइनस टू जेड इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू दोगे तो एक्स इज इक्वल टू इससे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू। क्लियर है? सो आपने निकाल दिया, पावर डाल दोगे तो टी इज इक्वल टू के एल टू डी, क्या था एल टू डी पावर एक्स, सो एल का पावर वन बाई टू, एम टू डी पावर जीरो एंड जी टू डी पावर माइनस वन बाई टू, चूंकि जेड का वैल्यू है ये। सो टी इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल बाई जी। सो ये फॉर्मूला आपने निकाल दिया और जो फॉर्मूला आता है के, वहाँ पर के का वैल्यू टू पाई होता है और यहाँ से टाइम टी हो जाएगा। ये आपको रिपीटेड आपको एक्सपेरिमेंट से निकलता है, टी इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। क्लियर है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशन एमोंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाउएवर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, इसमें कॉन्स्टेंट आप इससे नहीं निकाल सकते हो क्योंकि कॉन्स्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, सो डायमेंशनल वैलिडिटी को तो ये बता देता है बट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी इक्वेशन को ये रिवील नहीं कर पाता है। और ये फिर इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जिसका सेम डायमेंशन है, उसको भी नहीं रिवील कर पाता है। मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी एक्स है जिसका डायमेंशन एल टी माइनस वन है, वेलोसिटी है, और दूसरा क्वांटिटी वाई है जिसका डायमेंशन भी आपको एल टी माइनस वन है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है ये दूसरा है, तो आप तब भी आप जोड़ सकते हो जबकि ये रॉन्ग होगा। ठीक है, सो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस। अब इस पर भी नीट के हम लोग दो प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो ये प्रॉब्लम नीट 2015 में आया था। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला देखोगे, इसलिए जो भी डायमेंशन यहाँ यूज होगा उसको मैं बता देता हूँ। एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, और उसका डायमेंशन होता है एम एल टू डी पावर माइनस वन टी टू डी पावर माइनस वन। डेंसिटी आपको मालूम होगा, डेंसिटी होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। सो मास हो गया क्या, मास का डायमेंशन हो गया m और वॉल्यूम होता है l टू दी पावर 3, तो नीचे में है तो नीचे में आ जाएगा m m l टू दी पावर माइनस 3। क्लियर है? और r हो गया रेडियस, तो रेडियस का हो गया लेंथ। सो आपने समझ लिया r का डायमेंशन, रो का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन। अब आपसे बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ये आपको किस पर डिपेंड करता है, ईटा टू दी पावर एक्स पर, रो टू दी पावर वाई और आर टू दी पावर जेड। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, बोथ साइड के डायमेंशन को आपको इक्वल करना है। सो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन और इसका डायमेंशन होगा एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन का पावर एक्स और एम एल टू दी पावर माइनस थ्री का पावर वाई और एल का पावर जेड। सो ये हो जाएगा एम टू दी पावर एक्स प्लस वाई, एल टू दी पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड एंड टी का पावर होगा माइनस एक्स, एक ही जगह है सो माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको बस इसको इक्वेट कर देना है एम टू दी पावर जीरो, एल टू दी पावर वन एंड टी टू दी पावर माइनस वन, और जो भी आंसर आएगा वही आपको सही होगा। सो क्लियरली यहाँ से बोलोगे कि एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन रख दोगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन। सो एक्स बराबर वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और देखो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन है, तो ये जेड का वैल्यू क्या आएगा जब दिया जाए ये दोनों, वो मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? सो और ये भी बताइएगा आंसर कौन सा होगा। ये देखो नीट 2014 का है, यदि
आप मास, लेंथ, टाइम ये सब की जगह फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम टी को आप यदि फंडामेंटल यूनिट ले लोगे तो मास को का वैल्यू इन फंडामेंटल यूनिट के टर्म में क्या होगा। मीन्स कि फंडामेंटल यूनिट को आपने चेंज कर दिया है तो मालूम है आपको फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन। देखो जो केवल ट्वेल्थ में इंटरेस्टेड है उसे न्यूमेरिकल सबको छोड़ दें। सो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम टी। सो यहाँ से हो जाएगा फोर्स इंटू टी बाई वी इज इक्वल टू एम। मैंने m को इन तीनों फंडामेंटल टर्म के रूप में लिखा है। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो f v टू दी पावर माइनस वन एंड t, तो आंसर हो जाएगा यही d। कितनी आसानी से आप नीट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इसको देखो दो तरीके से देखेंगे, एक कंसेप्ट से देखेंगे, दूसरा फॉर्मूला से देखेंगे। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ का यूनिट पहले CGS में जो था सेंटीमीटर, उसको बोल रहा है सेंटीमीटर से बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर कर दो। और वैसे ही मास का जो यूनिट था, जो पहले ग्राम था, उसको चेंज करके आप 100 ग्राम कर दो। तो बताएं कि एक जो डेंसिटी है मटेरियल का, जो पहले था 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, का वैल्यू अब कितना होगा। तो देखो बेसिक दिमाग से लगाते हैं, पहला है 4 और ग्राम की जगह अब हो गया है 100 ग्राम, मीन्स कि एक यूनिट हो गया है 100 ग्राम। तो 100 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से डिवाइड भी करोगे। सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, 3 बार सेंटीमीटर, अब हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स कि 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू दी पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सो हम लोग इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर क्यू सेंटीमीटर क्यू। अब 10 टू दी पावर क्यू से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू दी पावर क्यू से डिवाइड भी तो करना होगा। तो अब मेरा ये हो गया एक ऊपर में फंडामेंट जो यूनिट है फंडामेंटल, और नीचे में भी हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1000 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो गया 40 और यूनिट क्या होगा, 100 ग्राम पर 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, कभी आपको ये समझ में ना आए फॉर्मूला चाहते हो तो फॉर्मूला है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, जहाँ N1 और N2 क्या है वैल्यूज और ये क्या है यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है दोनों यूनिट्स, तो यूज कर दो। देखो 4 ये क्या है ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है N2 निकालना है, 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो N2 हो गया 40, ये सब तो बाकी सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, N2 40 आ गया। सो आपको ये फॉर्मूला को भी ध्यान रखोगे तब भी हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।